हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। फेस्टिवल में मीठा खाना किसे पसंद नहीं। चाहे दिवाली, ईद, क्रिसमस हो, हर त्यौहार में मीठा तो बनता है। ऐसे में आप घर में ही मीठा बनाएं तो वह क्या बात है। कोशिश यही कीजिए कि घर में ताज़ी फ्रेश मिठाइयाँ बनाएं, जो बनाने में बहुत आसान और टेस्टी बनती हैं। इसमें मीठा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं। यहाँ मैंने केवल 3 इंग्रेडिएंट से ये मिठाई बनाई है। इसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और 100 ग्राम मेल्टेड बटर लिया है। यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, जिसे मैंने मिल्क पाउडर में डालकर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मिक्स किया है। मिल्क पाउडर और बटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 कप दूध डालेंगे। और इसे भी इन दोनों चीजों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे इसे कंटिन्यू चलाना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब इसमें 150 ग्राम पिसी चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, डो हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दें। डो हमारा ठंडा हो चुका है। अब इस डो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग बाउल में निकाल लें। यहाँ मैंने पहले डो में 8 से 10 येलो ड्रॉप्स की कुछ बूंदें डाली हैं और इन्हें चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब दूसरे डो में 8 से 10 ड्रॉप ग्रीन कलर की डालकर इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब तीसरे डो में 1 चम्मच कोको पाउडर डालकर इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर येलो लेयर का रोल बनाएं। पतला या मोटा जैसा आप चाहें बना लें।
अब सेकंड लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया है, जिसे मैंने पतला बनाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसे एल्युमिनियम फॉइल पर रखकर भी चपटा और पतला बना सकते हैं। इसे आप येलो रोल के ऊपर रखकर धीरे धीरे फोल्ड करें। अब लास्ट लेयर, जो कि मैंने कोको पाउडर और मिल्क पाउडर को मिक्स कर बनाई है, इसे भी हाथों पर घी लगाकर पतला और लंबा करने की कोशिश करें और इसे ग्रीन लेयर के ऊपर धीरे धीरे फोल्ड कर दें। यहाँ मैंने सेसमे सीड से इस ब्राउन रोल को ऊपर से कोट किया है। मिल्क पाउडर रोल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें अपने मनचाहे शेप्स में आप कट कर लीजिए। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। इसे आप जैसा चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी घर में अवेलेबल हो उससे आप इसे डेकोरेट करें। ये देखिए, आपको मेरी ये मिठाई आनंदम हल्दीराम की मिठाई से कम नहीं लग रही होगी। इसे आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुक विद साहिबा पर मैं बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।